Let it go. Auto puts her like, whoa. Think I go. Oh, shit, over. I see. And you're the better now, girl. Yeah, got your cup, yeah. No, I is it that I swear. 제가 뭔더 zero. 폭설한 게 chilled. 꿈에도 I wasn't aware. 나만 빼고 넌 모두에게 참 친절해. 배신감이 들었단 판이 되던 머릿속을 흔들 네 ibuprofen 그만해 it's time to stop 승부욕을 자극하는 style yeah. 알면서도 마음이 자꾸 내게 가 아마 빠져버릴까 if you want me back. अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम शेकी सिटी अज़रबैजान। तो आज कुछ प्लान तो यही है कि सिटी को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है ना वो ये जो आपको दिखाना है कि यहाँ पे जो है ना वो जिस होटल में हम स्टे किए हुए हैं, ये होटल 1896 की बिल्डिंग है एंड इतनी खूबसूरत लोकेशन में बना हुआ है और बुटीक होटल है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इंटीरियर है इसका। आपको थोड़ी देर में इसका रेस्टोरेंट मैं आ गया हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, चूँकि ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था यहाँ पे हमारा, तो ब्रेकफास्ट हमारा रेडी हो रहा है। इस होटल में हम ही हैं और कोई नहीं है यहाँ पे। तो 70 मनात में ये हमें मिला था, क्योंकि इससे नीचे यहाँ पे शेकी में कोई भी होटल नहीं है। होटल्स यहाँ पे बहुत महंगे। तो कुछ सिटी का व्यू आपको दिखाता हूँ, रेस्टोरेंट दिखाता हूँ, फिर उसके बाद नीचे जाके आपको बिल्डिंग दिखाता हूँ, फिर उसके बाद निकलेंगे हम शेकी का टूर करने के लिए। दो तीन यहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो देखकर तो आज शाम में रात में बाकू इंशाल्लाह पहुँचेंगे जी। ब्रेकफास्ट आ गया हुआ है और ब्रेकफास्ट में क्या है, ये एक चाय है लोकल जो आजरी चाय है, थोड़ी सी डिफरेंट होती है टर्किश चाय से। टेस्ट ऑलमोस्ट वैसा ही है, लेकिन बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है इनका। इनके चाय में पत्ते होते हैं बड़े बड़े। ये ब्रेड आ गई, ये है मलबरी सॉस, ये है सॉसेज मीट का, और ये योगर्ट चिकन सॉसेज, ये भी योगर्ट होगा, ये है चीज़ एंड सॉस, ये है जैम हनी और चीज़, और वो आ गया बटर। तो इस तरह का कुछ ये ब्रेकफास्ट है, और वो एग्स देंगे, वो अभी लेने के लिए गया हुआ है। जी तैयारी हो गई, गाड़ी ये पीछे रेडी हो रही है, जवान भी हमारा रेडी हो रहा है, और सामान शमान हमने लोड कर दिया गाड़ी में, और अभी यहाँ से हम चेकआउट कर लिया है। सबसे पहले हम जाएंगे, मैप में देखा है कुछ जगह हैं यहाँ पे, देखें है सारा हिस्टोरिकल सिटी। आपको शायद एंटरटेनमेंट के लिए इतनी जगह नहीं मिलेंगी, लेकिन हिस्टोरिकल चीज़ें जहाँ यहाँ पे ज़्यादा हैं, व्यू अच्छा है। ऊपर खान्स पैलेस जाएंगे, वहाँ पे अराउंड हमारी 8 से 9 जगह जो है ना वो कवर हो जाएंगी, और वहाँ से सिटी व्यू भी कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद जाएंगे आगे, एक जगह है जहाँ पे अल्बेनिया मॉस्क का कुछ बता रहे हैं, वो समझ नहीं लगी मुझे सही से, लेकिन वो जाकर ऊपर देखेंगे क्या है उसमें। तो स्टार्ट करते हैं आज का सफ़र। Thank you.
ये है जी यहाँ की पहली अट्रैक्शन खान्स पैलेस, और खान जो था वो यहाँ का ओल्ड टाइम्स में सोवियत टाइम्स में जो है ना वो उससे भी पहले शायद जो है ना किंग था, और इसके अंदर कोई ये पूरी एक कॉलोनी टाइप है, और इसके अंदर कोई अराउंड 8 से 9 अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं, जिसमें एक समर पैलेस है, एक विंटर पैलेस है, खान्स गार्डन है, मतलब वो रॉयल थिंग्स जो है ना वो सारी इस बाउंड्री वॉल के अंदर हैं, इस पैलेस के अंदर हैं। तो अभी जाकर देखता हूँ है क्या क्या चीज़ें इसमें। ये है जी वो ऊपर रहा खान पैलेस, और उसके बिल्कुल साथ में ये आर्ट म्यूज़ियम है। तो यहाँ पे कुछ वॉल्स आर्ट वगैरह का काम जो है ना वो होता है, और वॉल्स देखें इसकी बहुत ही खूबसूरत किस्म की रेनोवेट की हुई है इन्होंने, और अंदर से पता नहीं खुला हुआ है वो म्यूज़ियम, तो अभी फ़िलहाल बंद है, वो कह रहे हैं 10 मिनट बाद खुलेगा। तो अभी ये हमने कहा चलो आर्ट म्यूज़ियम को ही देख लें, लेकिन ये भी खुला हुआ है, तो ये इस तरह का कुछ। ये है जी खान्स पैलेस, और खान पैलेस का जो है वो टिकट है, यहाँ से आपने लेना है टिकट कासा से, 5 मनात का ये टिकट आपको पड़ेगा। लोकेशन इसकी बहुत ही खूबसूरत है, गार्डन बहुत खूबसूरत है, ऐसा कुछ बाहर से देखने में, अंदर से ये अलाउ नहीं है, मैं चूँकि देख के आ चुका हुआ हूँ। तो अंदर कुछ जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, सामने से फ्रंट से जाकर ये इसका गार्डन है, और वो वाला आर्ट म्यूज़ियम है जो मैंने अभी आपको दिखाया है, और ये वाला गार्डन है। तो खान पैलेस की हिस्ट्री
कोई वो गाइड था, मैंने पांच मनात का टिकट लेकर चेक अंदर से जाकर देख कर आया हूँ। ये कुछ रूम्स हैं ये सामने वाली साइड पे, लेकिन इनमें जो आर्ट वर्क हुआ हुआ ना वो बहुत ही खूबसूरत हुआ हुआ है। अंदर जो है वो कलरफुल जो है ना वो विंडोज़ हैं और उनसे लाइट्स, यहाँ से अगर सूरज निकलेगा तो वहाँ पे अंदर लाइट जाएगी तो बहुत ही खूबसूरत लाइट बनती है। सेम ईरानियन एक मॉस्क है शिराज में, वैसा ही। तो ख़ान की जो हिस्ट्री है वो मोहम्मद हुसैन ख़ान है, जो कि बिफोर द मंगोल इन्वेजन यहाँ पे जो है वो यहाँ का रूलर थे और अराउंड 22 इयर्स उन्होंने रूल किया। देन उसके बाद मंगोल, फिर उसके बाद रशियंस ने जो है ना वो इस पैलेस को डिस्ट्रॉय किया। देन अगेन अजरबैजान गवर्नमेंट टूरिज्म पर्पस के लिए इसको रेनोवेट किया और अब टूरिज्म के लिए खोला हुआ है ताकि टूरिस्ट आकर हिस्ट्री को एंजॉय कर सकें। इससे बेहतर अगर आप, मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप पांच मनात का टिकट लेकर अंदर जाएं और खाली कमरे, तीन चार कमरे हैं वो देखकर इस साइड से आप एंटर होंगे और उस साइड से आप एग्ज़िट करके आ जाएंगे। तो रूम खाली हैं, बस अंदर आर्ट वर्क हुआ हुआ है बहुत अच्छा। कुछ पाकिस्तान से रिलेटेड भी चीज़ें हैं, लाइक कुछ बर्ड्स वगैरह हैं जो इन्होंने खान ने इम्पोर्ट करवाए थे फ्रॉम पाकिस्तान। और उसके अलावा अगर आप इस तरफ जाएंगे तो आपको आर्ट गैलरी नज़र आएगी, तो वो आर्ट गैलरी मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले वीडियो में दिखा चुका हूँ, वो आर्ट गैलरी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये था खान म्यूज़ियम, सॉरी खान पैलेस और आर्ट म्यूज़ियम। इधर ही एक मस्जिद है, ओल्ड मस्जिद, वो मस्जिद देखूँगा अगर तो वो ओपन। वैसे नॉर्मली यहाँ पर मस्जिद जो है ना वो मॉस्क जो है ना वो बंद है, तो देखूँगा अगर वो खुली हुई है तो वो आपको दिखाऊँगा। और उसके बाद यहाँ से शैकी से कोई अच्छा सा व्यू पकड़ के उसकी वीडियोस वगैरह बना के तो फिर यहाँ से बाकू के लिए निकलना है, क्योंकि बाकू इट्सेल्फ जाना यहाँ से 5 घंटे की ड्राइव पे है, तो टाइम अब बहुत शॉर्ट रह गया। चलें जी भाई, सफ़र हमारा जो है वो बाकू के लिए स्टार्ट हो गया। खाना हमने खाया नहीं है, खाना खाएंगे आगे जाके कहीं ना कहीं कोई जगह देख के। तो अभी लिया है ये कोई लोकल फेमस ट्रेडिशनल हलवा है, हलवा है लेकिन कुछ और की तरह का हलवा तो नहीं लग रहा है, कुछ डिफरेंट चीज़ लग रही है, स्वीट डिश। तो ये कुछ इसकी शक्ल देखने में ऐसी है। अगले 50 का रेट जी। तो शैकी से चले हुए तकरीबन कोई 2 से 2.5 घंटे हो गए। आज कोई सीन इस तरह से हुआ है कि स्पीड लिमिट इतनी कम है क्योंकि हमें अराउंड 100 मन्नात का अभी तक का फ़ाइन पड़ चुका हुआ है, तो आज हम जो है ना वो 40-50 की स्पीड पे चल रहे हैं। और 100 मन्नात कैसे बढ़े हमें नहीं पता चला, जब जिस दिन हम वापस जिस दिन हम आ रहे थे उस दिन रात में हमें जो है वो जो रेंट कार वाला है उसने पिक्चर्स भेजी, उसमें जो है ना वो पेनल्टीज़ की पिक्चर्स थी कि आपने ओवर स्पीडिंग की है तो जिसकी वजह से आपको चलान है, वो कोई 110-120 मन्नात का जो है ना वो 3 चलान थे। तो आज हम जो है ना वो 40-50-60 की स्पीड पे आ रहे हैं और अभी तक कोई तकरीबन 3 से 4 घंटे हो गए हुए हैं। अभी हम जस्ट गवाला ही पहुँचे हैं, तो गवाला जस्ट क्रॉस किया, नमाज और खाना शाना चाय शाय का ब्रेक लिया और ये करने के बाद फिर हम मूव करेंगे आगे टूवर्ड्स बाकू। पता नहीं बाकू अभी स्टिल 3 घंटे, अगर तो अच्छी स्पीड से जाएं तो 3 घंटे में पहुंच जाएंगे, अब 40-50-60 की स्पीड पे जाएंगे तो पता नहीं कब पहुंचेंगे रात में। तो अभी फ़िलहाल जो है ना वो खाने का ब्रेक है। व्यू यहाँ से बड़ा ज़बरदस्त है, इस वजह से यहाँ पर रुक के आपको व्यू दिखाता हूँ। ये है जी व्यू, यहाँ से वही सेम लैंडस्केप चलता आ रहा है अभी तक, तो इस तरह का कुछ व्यू है।
पहले ऊपर एक रेस्टोरेंट पे रुके थे, वो रेस्टोरेंट वाले का दिल नहीं कर रहा था काम करने का, तो फिर उधर से उठ के जो है ना वो यहाँ पे आ गए। ये कोई गांव है, मुर्गे वर्गों की भी आवाज़ें आ रही हैं। ये वाली बिल्डिंग्स कुछ अच्छी बनी हुई हैं, फिर आगे सारे जो है ना वो मैदान है, मेडोज है और जंगल है। तो कुछ खाना पीने का सिस्टम इधर इस तरह का है, ये फैमिली रन बिजनेस है वो कर रहे हैं। ये है जी इनका जो लोकल पराठा गोजले में, और ये साथ में चाय बन रही है और ये पराठा बन रहा है। तो ये आपको पड़ेगा अराउंड 3 मनात का, सॉरी 2 मनात का पराठा।